had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, OAIA, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. जब हौसले हो बुलंद, विश्वास हो अडेग, तो हर मुश्किल आसान होती है। ये वो शख्स है जिसने पॉइंट 5140 पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के बाद देश का तिरंगा लहराया था। ये बुलंद आवाज थी कारगिल के शेर कहे जाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिनकी आवाज कारगिल की पहाड़ियों में और देश में हमेशा के लिए अमर हो गई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने वहाँ से अपने बटालियन कमांडर को रेडियो सेट पे ये सिग्नल दिया, उसका सक्सेस सिग्नल था ये दिल मांगे मोर। पूरी दुनिया में ये आवाज़ फैल गई, ये दिल मांगे मोर, और कैप्टन विक्रम बत्रा बहुत ही मशहूर हो गए इसके लिए। कैप्टन बत्रा ने कारगिल की पॉइंट 5140 से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अभियान छेड़ा। कारगिल युद्ध में श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी है। कई घंटों की गोलीबारी के बाद आखिरकार वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। इस जीत के बाद जब उनकी प्रतिक्रिया ली गई, तब उन्होंने जवाब दिया ये दिल मांगे मोर, जिसके बाद भारत खुशी से झूम उठा। बड़ी सख्त चढ़ाई, इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई के ऊपर चढ़े, और फिर विक्रम बत्रा थोड़ा सा उससे हटकर उन्होंने देखा एक सीधी चट्टान जैसी है, तो वो चट्टान के रूट से चढ़ते हुए ऊपर चढ़ गए। और दुश्मन को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो इस रास्ते आ भी सकते हैं, कोई चढ़ भी सकता, इसलिए उनकी तवज्जो दूसरी तरफ थी। और विक्रम बत्रा और उनकी कंपनी एकदम पीछे से जब उनके ऊपर टूट पड़े तो वो हक्का बक्का रह गए। बड़ा ही वहाँ फियर्स एंड टू एंड फाइट हुआ, और उसके बाद हैरानी की बात यह है कि एक भी जवान जख्मी नहीं हुआ और इंजर नहीं हुआ, और इन्होंने फतह पा ली। कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय कैप्टन बत्रा और उनके साथियों ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया। कैप्टन बत्रा ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। जब मिशन पूरा हो चुका था, तभी कैप्टन अपने घायल लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए लपके। कैप्टन बत्रा लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए पीछे घसीट ही रहे थे कि अचानक उनकी छाती में गोली लगी और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके मन में ये था कि मैंने अपने जीवन में कुछ करना है और कुछ बनना है, तो इस धारणा को वो अपने दिल में पाले हुए थे, और अपने कुछ मित्रों के साथ जो हॉस्टल में उनके साथ ही रहते थे, चार पांच उनके मित्रों का एक ग्रुप था, उन्होंने आपस में मिलकर के ये निश्चित किया था कि वो आर्मी में कमीशन लेंगे और आर्मी ऑफिसर बनकर के देश की सेवा करेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले कहा था, मैं भारत की जीत का तिरंगा लहराता हुआ लौटूंगा या इसमें लिपटा हुआ। भारत ने इस चोटी पर कब्जा तो कर लिया था, पूरी दुनिया जहां जश्न मना रही थी, वहीं उनके माता पिता को कैप्टन बत्रा का शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ मिला। उसकी जो यादें हैं जब आती हैं तो कुछ खुशी होती है और कुछ दुख होता है कि वो काश हमारे साथ होता। वो तो प्रति क्षण हमारे साथ रहते हैं, हर मोमेंट हम उनको याद करते हैं। और एक माता पिता जिनके हृदय का टुकड़ा होता है, एक होनहार पुत्र, उसकी याद तो सदैव साथ ही बसी हुई है। आज कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी एक मिसाल के तौर पर दी जाती है। अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया,
कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत को फोकस न्यूज सलाम करता है।